दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अब देखिए एग्जिट पोल आ गए, पब्लिक के ओपिनियन भी आ गई। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पोलिंग बूथ से कितने लोग गए हैं, उनके जो बाहर उन्होंने अपने बाहर जो उन्होंने अपने टेबल से लगाई थी, उससे एक एक काउंटिंग हो गई है। उस काउंटिंग के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो हर पार्टियों के अपने बूथों से, वो यही आ रहे हैं। कुल मिलाकर के भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत जा रही। उसके बाद आपको बता रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की क्या पोजीशन है। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि सिर्फ जो है 10-12 सीटों में, ख़ास तौर से 10 सीटों में सपा और कांग्रेस फाइट कर रही है, जीत नहीं रही है, फाइट कर रही। ये चीज़ सपा ने भी मान ली है। अब देखिए सपा के साथ प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के पास मोदी जैसे लीडर हैं यूपी में, तो मोदी का वजन इतना ज़्यादा है कि जिसमें राहुल गांधी और ख़ास तौर से अखिलेश दोनों कमज़ोर बैठते हैं, दोनों कमज़ोर बैठते हैं। दूसरी आपको बताना है कि यूपी में अमित शाह का भी बहुत ज़्यादा एंट्री है। एक एक उनके यूपी के नस अमित शाह जानते हैं। अमित शाह की राजनीति जो है वो पूरे देश में मुकाम पे है, छाई हुई है, दक्षिण से लेकर के नॉर्थ तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पश्चिम तक। आप सुने हर राज्य में उन्होंने, ऐसे राज्यों में जहाँ बीजेपी थी ही नहीं, त्रिपुरा, तमाम ऐसे राज्य हैं, अरुणाचल, उन सब जगह इन्हीं की रणनीति की वजह से बीजेपी आई। इन सब से अगर आप तुलना करेंगे तो अखिलेश का वजन कम है इसलिए। अब देखिए दूसरी वजह क्या है। अखिलेश यादव के साथ ये है समस्या कि अखिलेश यादव जो इतना वजन मुलायम सिंह का था, उतना वजन अखिलेश यादव का नहीं है। चाचा से मतभेद होने की वजह से भी इनका नुकसान हुआ। ये अपने परिवार को भी साथ ले करके, मुलायम सिंह यादव जी थे, सबको साथ ले कर चलते थे, हर एक को माफ़ भी कर देते थे, चाहे जितना बड़ा उनका दुश्मन हो। अगर अमर सिंह या आजम खान ने किया, जब मिले तो उनको गले लगा लिया। ये मुलायम सिंह की खासियत थी। मुलायम सिंह ने पूरे परिवार, पूरे ख़ानदान सबको आगे बढ़ाया, ये उनकी देन थी। अब इनके मुकाबले जो हैं वो योगी जी हैं, तो योगी जी इनसे ज़्यादा स्ट्रांग पड़ रहे हैं, क्योंकि हर गांव में जाना, हर शहर के मेन मेन इलाकों में जाना, डायरेक्ट संबंध इनकी रीच है, ये एक वजह। मुलायम सिंह इतनी जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे, वो स्थिति आज योगी जी की है। योगी जी भी हर जगह जाते, अगर कोई भी कार्यकर्ता बड़ा एक्सपायर होता तो बराबर जाते। कल्याण सिंह जब एक्सपायर हो गए, बराबर उस गाड़ी में बैठ करके गए, उनके सबको लेने को रहे के गए, और 3-4-5 रोज साथ में रहे। अंत में उनके परिवार ने माना कि इतना तो मैं सेवा नहीं कर पाया। राजू ने भी यही कहा, राजवीर सिंह ने और उनके पोते ने, कल्याण सिंह जी, इतना मैं सेवा नहीं कर पाया जितनी सेवा योगी जी की। यही एक वजह है कि अब जो स्थिति है कि अखिलेश बहुत कमज़ोर पड़ गए और योगी ही उनके मुकाबले काफ़ी मजबूत है। अब मैं आपको बता दें वो 10 सीटें जहाँ पर फाइट होगी। अब देखिए किसी समय ये स्थिति होती थी कि सपा सभी सीटों पे मजबूत थी, भाजपा कुछ सीटों पे फाइट करती थी। किसी समय ये पोजीशन थी, भाजपा यूपी के या देश के सभी सीटों में फाइट नहीं करती थी। आज स्थिति है 10 साल में कि भाजपा हर जगह फाइट कर रही है और दल जो है वो सब जगह नहीं, किसी प्रदेश में, वो भी प्रदेश के कुछ अंचलों में फाइट कर रहे हैं। सपा की स्थिति है, सपा पश्चिम में फाइट नहीं कर रही, सपा फाइट कर रही है ख़ास तौर से यादव बेल्ट पे, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सहारनपुर और कन्नौज, आजमगढ़ वगैरह, जहाँ पे इनका गढ़ है, पूरे प्रदेश में नहीं कर रही फाइट। ये एक प्रॉब्लम है सपा के साथ। अब देखिए क्या है, कन्नौज सीट विपक्ष जहाँ पर सबसे मजबूत है वो कन्नौज सीट पे है, और दूसरी है रायबरेली सीट, जहाँ पे विपक्ष को उम्मीद है। मतलब पूरे प्रदेश में लड़ने वाली कांग्रेस आज सिर्फ 2-3 सीटों पे आ गई। इनकी जो फाइट है
वो सिर्फ दो तीन सीटों पे रह गई फाइट जीतने की नहीं। और जो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस की वो सिर्फ रायबरेली में और कहीं नहीं। ताजुब की बात ये, इसके पहले कांग्रेस जो थी वो यूपी में, आपको हम क्लियर कर दें, करीब 15 सीटों में नेक टू नेक फाइट की थी। कानपुर में फ़ाइट किए थे, लखनऊ में फ़ाइट किए थे, सहारनपुर में फ़ाइट की थी, अमेठी में फ़ाइट की थी, रायबरेली में की थी, सुल्तानपुर में की थी, तमाम जगह पे कांग्रेस ने, झांसी में फ़ाइट की थी, जैन इनके बहुत अच्छा लड़े थे। मगर आज स्थिति यह है कि सिर्फ दो जगह फ़ाइट की, अमेठी और रायबरेली, वो भी जहाँ नेक टू नेक फ़ाइट है वो कांग्रेस की रायबरेली में। अब अखिलेश यादव की सबसे अच्छी फ़ाइट जो है वो कन्नौज में, जहाँ अखिलेश यादव स्वयं लड़ रहे हैं, वहीं पे सुब्रत पाठक लड़ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति यह है कि सपा और बीजेपी जो है बराबर की फाइट है, बराबर की फाइट है यहाँ पर। हालांकि सपा ये मान के चल रही है कि वो सीट जीत जाएंगे, सपा का मानना है, चूँकि अखिलेश वहाँ से लड़े थे। वहीं पे आजमगढ़ वगैरह लोगों का कहना है कि सपा वहाँ से अखिलेश हारेंगे, अगर ये रामपुर में लड़ते तो जीत जाते, या आजमगढ़ से। अब आपको बता रहे हैं, सपा का जहाँ पे पूरी उम्मीद थी, पूरी ताकत अखिलेश यादव ने लगा दी, पूरा उनका ग्रुप लगा, वहाँ मेन वजह आ रही है सुब्रत पाठक, वहाँ पर योगी और मोदी का जादू चल रहा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि सुब्रत पाठक ने वहाँ स्वयं जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया है, यही एक वजह है कि ये सीट भी सपा जहाँ अभी तक ये मान रही थी कि हम निश्चित तौर पे जीत जाएंगे, अब सपा ने मान लिया कि मैं फाइट कर रहा हूँ। अब कन्नौज के बाद जो सीट आती है वो है मैनपुरी, जहाँ पे सपा सबसे मजबूत अपने को मान रही, डिम्पल यादव, वहाँ ठाकुर जयवीर सिंह लड़े हैं। ठाकुर जयवीर सिंह की मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त फाइट हुई है कि ठाकुर जयवीर सिंह चूँकि वहाँ से ऑलरेडी जनप्रतिनिधि बनते रहे हैं, एमएलए बनते रहे हैं, और उनकी स्थित वहाँ पर लास्ट में जो फाइट हुई है वो ज़बरदस्त हुई है। अगर किसी ने पंजे से पंजा लड़ा के लड़ा है तो आप समझ लीजिए, इसमें कोई शक नहीं कि ठाकुर जयवीर सिंह ने बहुत अच्छी फाइट दी। मगर सपा ये मान के चल रही कि मैं यहाँ पर जीत रहा हूँ, चूँकि सपा की परंपरागत सीट है। वहीं बीजेपी का ये मानना है कि इस सीट पे हमारी इनसे टक्कर की फाइट है, जीतेगा कौन। ये दोनों सीटें ऐसी है कि निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि सपा मजबूत है, परंतु जो पिछले रिकॉर्ड है उनको देखते हुए सपा मजबूत थी, आज भी मजबूत है, परंतु जीतेगी कि नहीं ये कन्फर्म नहीं कह सकते, चूँकि बीजेपी भी इंटरनल बहुत मजबूत है। सिर्फ 10 सीटों पे ताजुब ये है सपा और कांग्रेस फाइट कर रही है, 10 सीटों में। ये ताजुब आप देखिए, विडंबना देखिए कि यही मुलायम सिंह जी थे तब इतनी सीटों में फाइट करते थे कि पूछे नहीं। अगर मुलायम सिंह के समय सीटें सपा ज़्यादा नहीं जीत पाई तो भी नेक टू नेक फाइट होती थी। अब आप देखिए चौथी सीट जो आ रही है वो अमेठी, अमेठी में केएल शर्मा जी उठे निकले हैं और स्मृति ईरानी। अमेठी के लोग इसलिए सबसे ज़्यादा नाराज़ दिखे, अगर वहाँ से राहुल गांधी लड़ते तो अमेठी के लोग राहुल गांधी के फेवर में खुल के आते। उनका ये कहना था कि इनकी मम्मी रायबरेली से छोड़ के भाग गई और ये अमेठी में हमको छोड़ कर के भाग गए। 362 दिन बाद आए, 361 दिन बाद ये अमेठी आए थे। दूसरा, अमेठी के लोगों का मानना है कि ये वही जनप्रतिनिधि हैं कि पूरे किसी ब्लॉक में किसी उसमें सिटी स्कैन मशीन नहीं थी, स्मृति ईरानी ने आकर के कार्य किया, इसीलिए स्मृति ईरानी वहाँ जीती। अमेठी में भी पोजीशन है कि केएल शर्मा को लोगों ने बाहरी माना, उनका ये भी कहना है कि इसके पहले भी जो भी बाहरी आया उसने भी काम नहीं किया, और सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा यूपी के जो 5 ज़िले हैं उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़े 5 ज़िलों में जो आते हैं उसमें अमेठी रायबरेली, इसलिए स्मृति ईरानी का वहाँ पे बहुत मजबूत दावेदारी है, बहुत मजबूत है। वहीं अमेठी में कांग्रेस ये मान के चल रही है कि हमारी परंपरागत सीट है रायबरेली, और उसमें परंपरागत वो अपनी जीत मान के चल रही है, जीत मान करके चल रही। बीजेपी का ये दावा है कि हम जीत रहे हैं,
वहीं सपा का जो गुट है या अन्य विपक्षी दल, उनका मानना है कि रायबरेली में फाइट है, मगर अमेठी में जो है स्मृति ईरानी जीत रही है। ये सपा के लोग भी मान रहे हैं, दबी जवान, बसपा व अन्य लोग भी मान रहे हैं। अब आपको पांचवी सीट बता दें, फिरोजाबाद, जहाँ पे फाइट है। सिर्फ 10 सीटों में सपा और कांग्रेस फाइट कर रहे, उसमें अक्षय यादव जी लड़ रहे हैं। अक्षय यादव जी ये मुलायम सिंह के परिवार के हैं और भाजपा से विश्वदीप जी लड़ रहे हैं। इसमें सपा और मान के चल रही है कि ये सीट जो है वो सपा जीत जाएगी। वहीं पे अन्य दल जो हैं और भाजपा का ये मानना है कि बीजेपी जीत जाए। मैं कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी, रायबरेली, अमेठी, फिरोजाबाद में अगर कोई भी दल ये दावा कर रहा कि हम जीत गए हैं, तो ये उसकी गलत फहमी है। हकीकत में सीटें फंसी हुई हैं, कोई भी जीत सकता है जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया होगा, जिसने जनता को जिसको जनता ने पसंद किया होगा। अब देखिए, छठी सीट है आजमगढ़। आजमगढ़ सीट का ये है समस्या कि वहाँ पे यादव अधिक है, मुस्लिम अधिक है और दलित अधिक है। मुस्लिम वोट चूँकि भाजपा को मिलता नहीं है, यादव वोट में हकीकत में जो कब्जा है वो बहुत बड़ा कब्जा जो है यादव वोट में वो अखिलेश का है, सपा का, और मुस्लिम में भी कब्जा है। अब आपको आजमगढ़ की आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र यादव सपा से लड़े हैं, ये मुलायम सिंह की फैमिली से, और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा से लड़े हैं। यहाँ भी सपा का मानना है कि हम जीत गए हैं, परंतु यहाँ पर भी फाइट है बीजेपी से, चूँकि निरहुआ के साथ सबसे बड़ी बात आ रही दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ कि दिनेश लाल निरहुआ के खिलाफ वहाँ पर कोई वो नहीं है, सबसे अच्छी बात ये आ रही। दूसरी ओर दिनेश लाल निरहुआ वहाँ पे रहे, लोगों के बीच में रहे, उन्होंने कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल वो नहीं बोला, अधिकतर चीज़ों को उन्होंने मजाक में हंसी में टाला, ये एक सबसे बड़ी उनकी खूबी रही। तो उनके साथ कोई भी नेगेटिव पोजीशन नहीं थी, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आजमगढ़ सीट भी फंसी हुई है। अगर सपा ये कह रहे हैं हम जीत गए तो ये, या बीजेपी कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब जिसको मतदाता ने पसंद किया होगा वही जे। संभल सीट में जियाउर रहमान सपा से बहुत अच्छा लड़े, वहीं परमेश्वर लाल सैनी भी उनसे बहुत ही अच्छा लड़े। परमेश्वर लाल सैनी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर क्या हुआ है कि पूरे राजस्थान में, पूरे हरियाणा में, पूरे यूपी में सैनी समाज जो है भाजपा में चला गया, जो इन्होंने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बनाया। ये पहला हिंदुस्तान का चांस है जिस समाज को, सैनी समाज को महात्मा गांधी ने कहा था कि आज देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान, हमारे मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान, उसको चांस मिला है। इसलिए ये सीट भी जो है ये फंसी हुई है सपा और बीजेपी के बीच में। अब जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, कृपा शंकर सिंह भाजपा से, ये बॉम्बे से आए थे। दूसरी वहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट में धनंजय सिंह ने सपोर्ट कर दिया है भाजपा को। धनंजय सिंह की वाइफ जो साउथ इंडिया की हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया, इसलिए ये सीट भी जौनपुर की बाबू सिंह कुशवाहा, कृपा शंकर के बीच में फंस गई है। शुरू में बाबू सिंह कुशवाहा काफ़ी मजबूत पोजीशन में थे, मगर मतदान तक पोजीशन ये थी कि कृपा शंकर इनके बीच में नेक टू नेक फाइट है। घोसी में राजू राय और अरविंद राजभर में है लड़ाई, अब इसमें भी यहाँ पे फाइट है, देखिए कौन जीतता। गाजीपुर में अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय हैं। अफजाल अंसारी का जो किसी ज़माने में जलवा था वो नहीं दिखा, मगर तब भी ये सीट संघर्ष में। अखिलेश जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नोटबंदी और तमाम ऐसी नहीं जिसमें भाजपा से लोगों को नुकसान हुआ। नोटबंदी की वजह 2017 के चुनाव में हुआ था, उसमें अखिलेश ने खूब भुनाने की कोशिश की, मगर बुरी तरह से हारे थे। अब उन्होंने जो भी बात कही है कि भाजपा के कुछ मंत्री उनको अपशब्द कह रहे हैं, तो ये बात इतनी लेट उन्होंने भाजपा की बुराई की, काश यदि ये पहले करते ये बुराई तो उनके लिए फ़ायदेमंद थी। उससे साफ है कि लोगों की खीज निकल रही है और ये लोग गुस्सा करके कहना चाहिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली पोजीशन, मगर ये नहीं है। खिसियानी बिल्ली खम्बे की जगह अब तंबू नोच रही है, अपना ही तंबू ये लोग फाड़ रहे हैं, ये स्थिति है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।